मखाने के बीज बुआई के बाद पानी की सतह पर इसके नए पत्ते जनवरी फरवरी में निकलने लगते हैं। इसके 15 दिनों बाद घुमावदार पत्ते आते हैं जो बाद में गोलाकार हो जाते हैं। पत्तियों पर नुकीले कांटे निकल आते हैं। अप्रैल मई तक पूरा जलाशय पत्तों से ढक जाता है। एक पत्ते का सामान्यतः औसतन व्यास 140 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। मखाने की जड़ रेशेदार और तलहटी के गाद में काफी गहराई तक जाते हैं। अप्रैल माह में पौधों में फूल आना प्रारंभ हो जाता है। साधारणतः फूल बैंगनी नीला रंग लिए आकर्षक दिखता है और मुख्यतः मई के प्रथम सप्ताह में अत्यधिक संख्या में आने लगता है और मई के मध्य से फूलों में फल लगना भी शुरू हो जाता है। मखाना के फल स्पॉन्जी, कटीला और इसके बीज कक्ष की संख्या 8 से 13 होती है। बीज की बात करें तो औसतन प्रति फल में 70 से 110 बीज होते हैं। प्रति पौधा औसतन 450 से 700 ग्राम बीज का उत्पादन होता है। जुलाई के बीच में मखाने का फल पानी के अंदर ही फटने लगता है और बीज के ऊपर गुलाबी रंग का एक आवरण होता है जिस कारण बीज बाहर होकर पानी के ऊपर एक दो दिन तैरता है और जब गुलाबी रंग का बीज का आवरण सफेद होकर गल जाता है तब बीज तलहटी पर बैठ जाता है और सामान्यतः अगस्त सितंबर माह से पौधे से पत्तों का गलना अपने चरम पर होता है। इसके बाद फसल प्राप्त करने के लिए पौधे को उखाड़ दिए जाते हैं और डंडे से पीटकर पत्तों को नष्ट कर दिया जाता है और तेज धार वाले हथियार से पत्तों को काटा जाता है जिससे यह गलकर अपनी तलहटी पर अगली फसल के लिए उर्वरक का कार्य करता है। इसलिए इन जल क्षेत्रों में अलग अलग उर्वरक की आवश्यकता कम पड़ती है। इस प्रकार जल क्षेत्रों की उर्वरता का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होता रहता है।